हे फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप जो देख रहे हैं ये है बेंगेरी सेंट्रल बेंगेरी, जो वहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग बनता है वही है। और जब यहाँ बहुत सारे टाइम मैंने यहाँ पे शूट किया है, तो यहाँ पे मार्केट बैठा था पुराना वाला, वो भी शूट किया था। फिर रोड पे बैठने लगा मार्केट, और उसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है और 2 हफ्तों से यहाँ पे। तो हम आए हैं बेंगेरी सेंट्रल, यहाँ पे सैटरडे मार्केट भरता है अभी न्यू वाला, और यहाँ हम वॉक करने के लिए आ सकते हैं। अभी लास्ट सैटरडे यहाँ पे मार्केट भरा था, बाहर रोड पे नहीं भरेगा अभी मार्केट, अभी इसके अंदर भरेगा। तो वो शूट करने के लिए हम यहाँ कन्फ्यूज़न होते हैं इधर रंगे अशे 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 अशे। तो ये है पूरा एरिया, आतमध्ये पण भरते तिथे पण भरते, ह्या रोडवर पण राहते लोक आणि वॉक करायला पण येते। पूर्ण हे घाण त्याच्यानेच झालाय सॅटरडे मार्केटनी, नाही तो सर्व गेट उघडते। तिकडे पण गेट आहे, तिकडनं पण गेट आहे, इकडे पण गेट आहे, सर्व गेट ओपन होते। आणि हे एवढ्या याच्यामध्ये पण चांगलं केलं की पावसाळ्यात चांगलं झालं, पावसामध्ये पण बसता येते, उन्हाळ्यात पण बसता, बारिश में भी यहाँ कोई बारिश का टेंशन नहीं। आणि तुम्हाला सांगू का हे ब्लॉक्स बनून दिले आहे, इथे एक रांग, इथे दोन रांग, तीन रांग, पूर्ण ते तिथपर्यंत भरून जाते। कन्फ्यूज होते एक तर तिकडनं घ्याव इकडनं घ्याव, डोर बनवले आहे। हां, आपण इथे बॅडमिंटन पण खेळू शकतो, क्रिकेट पण खेळू शकतो, बॅडमिंटन खेळू शकतो। ये वॉक करने के लिए ओपन करके दिया है, शाम के समय वॉक करने के लिए ओपन करके देते हैं। मंडे टू संडे टू फ्राइडे ओपन, सैटरडे भी ओपन। रात भर रात को सब्जी वाला देखो कितने गंदा करके रखा है सब्जी वालों ने, बट गुटके का पान का लड़की बोल। वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, नाइट के लिए वॉशरूम्स भी है यहाँ अवेलेबल। तो हम उधर से भी घूम के आ सकते हैं, इधर से चलो। ये तो दिख गया पूरा, ये छोटे छोटे वो फोल्ड होते हैं, फोल्डेबल है, फोल्डेबल है, हाँ फोल्ड होते हैं, स्विच रखा है सबको लिए। हाँ ये फोल्डेबल है, लाइट है, यहाँ एक इंजन बैठते हैं, वो उधर एक गेट है, वहाँ से पूरा ऐसा सब्जी मार्केट यहाँ से पूरा ऐसा भरता है, फिर यहाँ पे ऐसा भरता है, फिर वहाँ पे मतलब जो नहीं आ रहे थे ना यहाँ सब्जी लेने के लिए इससे पहले, बेचने के लिए सॉरी बेचने के लिए, वो लोग भी अभी सब्जी बेचने के लिए आते, बहुत से नए लोग, क्योंकि पहले वो उधर कहाँ बेंगेरी तक भरता था ना मार्केट, चिक्की फैक्ट्री तक, वो कौन सा किसका घर है, सोडा फैक्ट्री तक, सोडा फैक्ट्री नहीं, वो कोई तो भी है ना डॉक्टर, डॉक्टर मूर्ति डॉक्टर के घर तक भरता था। तो अभी ये यहाँ पे करके दिया है, बहुत ही मस्त ग्राउंड, मतलब रोड पे रश नहीं होता। पहले यहाँ पे बहुत छोटा रोड होने की वजह से ना, तो छोटा रोड है तो बहुत रश हो जाता था सैटरडे को। वेदर कितना अच्छा है, और यहाँ छोटे मोटे पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पर लोगों ने रखना चाहिए उसको अच्छे। अभी अभी समझ में आ रहा है, जब मार्केट भरता है ना तब बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि ये पूरी लाइन वगैरह सब सब्जी वालों से बैठी रहती है। सुविधा, वॉशरूम, ऑफिस सब इन्होंने बनवाया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक प्रकार का गार्डन ही है समझो, वॉक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग अभी, और अभी नया नया भी बनाया है। इससे पहले मैंने बाहर से शूट किया था, तब मैंने बताया था, तो आप ऐसे गोल घूम के आ सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगता है, दूर से ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर मार्केट के लिए ये बनाया है। सब बच्चे अभी खेल रहे हैं यहाँ पे। पहले मार्केट बैठता था सब्जी मार्केट, बट तब
प्लेन जगह थी, इधर मंदिर भी है, सब सीनियर सिटीजन वगैरह आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत ज़्यादा शूट कर लिया है, बहुत ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें कवर कर ली है। बहुत दिनों से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी हमने कवर कर ली है। और थोड़ी बहुत ऐसी दूर की प्लेसेस अभी बाकी है, वो भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो ये है हमारा हुबली। आपको कैसा लगा हुबली कमेंट में ज़रूर बताइए, और कौन कौन हुबली के हैं आप मुझे कमेंट में बताइए कि और भी कौन सी प्लेसेस घूमनी है। और एक लेक का भी आया था कमेंट, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही कि वो सैटरडे, मंडे टू सैटरडे ही ओपन है, संडे को नहीं है, और इनको सिर्फ संडे को छुट्टी रहती है, तो जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। देखेंगे, वो भी एक हाथ दिन का जल्दी आ गए तो, और उसका टाइमिंग भी बहुत ऑड है, 5 बजे से 7 बजे तक शाम के, सुबह मॉर्निंग में भी 11 बजे तक ऐसा टाइमिंग है, तो इस वजह से वो लेग शूट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अगर वो संडे को ओपन रहता तो हम आज ही शूट कर लेते। तो ये है हमारा सैटरडे का वेजिटेबल मार्केट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बारिश की चिंता नहीं, पानी की चिंता नहीं, एक्स्ट्रा लोग भी आते हैं और ज़्यादा रश भी रहा तो भी क्राउड अच्छे से समाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही मस्त वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ डिटेल दी है सारी, पर मुझे कन्नड़ा पढ़ना नहीं आता है, जिनको पढ़ना आता है वो देख लीजिए और मुझे भी एक्सप्लेन कर दीजिए कमेंट में। वहाँ पे ऐसे गार्डन वार्डन वॉक करने के लिए घास लगाए हैं, खेलने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं बच्चे। बट ये क्लीन करने का थोड़ा इशू है, क्योंकि अभी सैटरडे को मार्केट हुआ, कल ही आज संडे है। चंदा मामा चांद नजर आ गया है, जो मुझे नहीं आ रहा इसमें है अभी सैटरडे को। चांद नजर आया, खेलने देना या नहीं सब इनके हाथ में होता है, तो वो बता रहे हैं। वेदर बहुत ही अच्छा है, जो पेड़ पौधे थे बहुत अच्छे होते थे और घास भी बहुत अच्छा हो गया था, बट बच्चों ने उस पर खेल दिया, फिर लोगों ने उस पर चल चल के उसको खराब कर दिया था। तो अभी जो भी घास पे चलता है उसे हम मना करते हैं, वो लुक खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए जो जगह हमारे आसपास अच्छी होती उसका ख्याल रखिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, तो हे चालून चालून खराब केलं। काय म्हणते? पुन्हा लाल लाल झाले होते म्हणते, खराब झाले होते। हां चालून चालून। हां आता पाणी मारून मारून परत त्याला हे केलं। उन्हाळा होता ना तेव्हा थोडा। चला।